सुपरस्टार पवन और खेसारी का भरत मिलाप तो आप लोगों ने देखा होगा। अब इसमें एक नई कड़ी जुड़ गई है। जब पवन और अक्षरा का झगड़ा हुआ तब खेसारी अक्षरा के पास पहुंच गए एक फिल्म बबुआ बवाली को लेकर, और अक्षरा ने भी इसके लिए पट से हाँ कर दी। लेकिन भाई, कहानी में जब तक ट्विस्ट और टर्न नहीं होता, रियल लाइफ हो या रियल लाइफ हो, मजा नहीं आता। और कहानी कुछ अधूरी अधूरी सी लगती है। जब पवन और खेसारी का भरत मिलाप हो गया तब से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को कह दिया है कि वो अक्षरा सिंह के साथ कोई फिल्म न करे, और उन पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि जिस फिल्म में अक्षरा सिंह को उनके अपोजिट कास्ट किया गया है, उस फिल्म से अक्षरा सिंह का पत्ता साफ करवा दे। अब ऐसा कह के पवन ने तो खेसारी के लिए मुसीबत ही पैदा कर दी है। अगर वो पवन की बात से इनकार करते हैं तो उन्हें पवन की अनमोल दोस्ती से फिर से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर अक्षरा को हाँ करते हैं तो अक्षरा रूपी प्यार यानी कि अक्षरा के पुराने इश्क से फिर से उन्हें मुंह मोड़ना पड़ेगा, जो कि खेसारी कतई नहीं करना चाहेंगे। लेकिन इन सब कंट्रोवर्सी के बीच फिल्म के डायरेक्टर योगेश राज मिश्रा और प्रोड्यूसर अमित कृष्ण श्रीवास्तव का बयान आया है कि किसी की जाति दुश्मनी में हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन अक्षरा सिंह हमारे फिल्म के लिए कास्ट हो चुकी है और उन्हें हमारे फिल्म के लिए एज ए हीरोइन कास्ट कर लिया गया है। अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात माने तो अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव की जोड़ी बबुआ बवाले में तो नजर आएगी, लेकिन अब क्या होगा खेसारी लाल यादव का, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।